जोहार हजारीबाग, आज रमज़ान का चांद दिख गया है और कल से रोज़े रखे जाएंगे। ये देखिए रमज़ान का चांद आप देख सकते हैं। आज से 30 दिनों तक या 29 दिनों तक जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो रोज़ा रखेंगे और इस रोज़ा में सुबह फजर की अज़ान, फजर की अज़ान मतलब आप समझिए कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे से रोज़ा शुरू होगा और 6:55 में रोज़ा ख़त्म करने का टाइम होगा। तो ये हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान जो है शुरू हो गया है और इस बार तो रामनवमी और रमज़ान लगभग साथ में ही है। 31 तारीख को, 30 तारीख को यहाँ पे रामनवमी मनाया जाएगा और साथ में रमज़ान के रोज़े लोग रखेंगे और तरावी भी पढ़ी जाएगी। तो रमज़ान का यही होता है कि 29 या 30 दिन तक रोज़े रखते हैं मुस्लिम समाज के लोग और उसके बाद जो 30वां दिन होता है या फिर जो आखिरी दिन होता है रमज़ान का वो ईद का होता है। तो ये रमज़ान महीना मुसलमानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक पवित्र महीना माना जाता है और जो भी नेक काम होते हैं इस महीने में लोग करते हैं और इस महीने में लोग ज़कात भी देते हैं। साल भर का जो ज़कात होता है लोगों को मतलब मदद करते हैं और एक तरह का आप कह सकते हैं कि कोई भी गुनाह से लोग बचते हैं, कोई भी गलती करने से जैसे झूठ बोलने से, चोरी करने से, जनरली ऐसे भी नहीं करना चाहिए ये सब, लेकिन इस महीने में और ज़्यादा लोग सख्ती से कोई भी गलती नहीं करने का और नहीं करने का ऐसा लेते हैं। जो मतलब रमज़ान में जो लोग नमाज ऐसे भी आम दिनों में नहीं पढ़ते हैं वो लोग 5 वक्त की नमाज इस रमज़ान में पढ़ते हैं और कहा जाता है कि इस महीने, रमज़ान के महीने में जो नमाज के जो सवाब हैं या फिर आप कह सकते हैं जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए इस रमज़ान का महीना इतना इम्पोर्टेंट होता है मुसलमानों के लिए। और 30 दिनों तक देखिए अब यही चांद जो है रमज़ान का चांद आज दिखा है और आज शाम से नमाज़ें शुरू हो जाएगी पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में और कल से लोग रोज़ा रखना शुरू कर देंगे और कल से 29 से 30 दिन तक मुसलमान भाई जितने हैं वो सारे रोज़ा रखना शुरू कर देंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान की शुभकामनाएं और इसी तरह से खुशनुमा माहौल में पूरे हज़ारीबाग में रमज़ान और रामनवमी मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। तो यही है माहौल, आज रमज़ान का चांद दिखा है तो जो मस्जिद हैं मस्जिदों में लाइट भी जल रहे हैं और इसी को लेके आज का ये लाइव वीडियो था। बहुत बहुत धन्यवाद।